आप लोगों ने अचार का स्वाद तो खूब लिया होगा। यदि नहीं लिया है तो आप एक बार श्री कृष्णा पिकल्स कंपनी के अचार का स्वाद जरूर लेना, जिन्होंने अपनी गरीबी से तंग आकर मात्र 2,000 रुपए का इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है। तो दोस्तों उपस्थित हूँ मैं आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्णा पिकल्स कंपनी को संभालने वाले कृष्णा जी यादव की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव भरे रास्ते का सफर करके आज के समय में अपने आप को और अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी दे रही है और अपनी कंपनी को अपनी सूझबूझ से करोड़ों का टर्नओवर वाली कंपनी बनाई। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में सफलता का झंडा गाढ़ा हुआ है। शुरुआती दौर में श्री कृष्णा पिकल्स के साम्राज्य को संभालने वाली कृष्णा जी यादव अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में रहती थी। उस समय कृष्णा जी यादव के पति गोवर्धन जी यादव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और साथ में अलग से उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके द्वारा शुरू किया बिजनेस में काफी नुकसान होने लगा, जिस वजह से उन्होंने अपना मकान घर बेचने की नौबत आ गई और अपने पति गोवर्धन जी यादव की नौकरी भी छूट गई, जिसकी वजह से उनके परिवार की सड़क पर आने जैसी दुर्दशा हो गई। तब उनके पति गोवर्धन जी यादव एकदम नर्वस और परेशान हो गए। लगभग एक साल तक कृष्णा यादव जी और उनका परिवार काफी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करता रहा और उनके पति ने तो आत्महत्या करने तक की विचार भी बना लिया था। हालात के चलते हुए कृष्णा जी ने अपने पति को गांव छोड़ने की बात कही, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए यही अच्छा समय है और इस बीच उन्हें छोटे बड़े काम करके अपने परिवार का गुजारा करना पड़ेगा। अपने ही गांव में ऐसा करने पर उन्हें अजीब लग रहा था, इसलिए वह अपना गांव छोड़ने का विचार किया ताकि दूसरी जगह पर जाकर किसी भी तरह का छोटा बड़ा काम करके अपना गुजारा कर सके। तब उनके पति ने किसी मित्र से 500 रुपए उधार लेकर दिल्ली की तरफ रुख किया। हालांकि गाँव में उनके ऊपर 20 से 25 हजार रुपए का खर्च हो गया था। दिल्ली में आकर वे नजफगढ़ में रहने लगे। दिल्ली में आकर गोवर्धन जी यादव ने रोजगार के लिए इधर उधर फैक्ट्रियों में भटके, परंतु उन्हें हर जगह असफलता मिलती रही। रोजगार न मिलने के कारण आखिरकार उन्होंने एक खेत को बट्टे पर लेकर उसमें सब्जी उगाने का काम करने लगे और मार्केट में एक ठेला लगाकर उनमें से सब्जी बेचने का काम शुरू किया। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और जैसे तैसे करके अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। कृष्णा जी के मुताबिक वह अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी में दूरदर्शन का चैनल देख रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में लघु उद्योग के बारे में प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने पति से कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। जब उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पता चला, जो कि दिल्ली में उनके घर के पास नजफगढ़ में ही उजवा के नाम से स्थित था, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा उन्हें अचार और मुरब्बा बनाने के लिए प्रशिक्षण लिया कि कैसे सब्जियों से अचार व मुरब्बा बनाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने गोभी, गाजर, मिर्ची आदि का अचार व मुरब्बा बनाना सीखा। उनका यह प्रशिक्षण लगभग 3 महीने तक चला। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने अपने घर में 5 किलो अचार बनाया और उनके पति से घर से बनाए हुए अचार को मार्केट में बेचने के लिए कहा। उनके पति सब्जी बेचने के साथ ही मार्केट में दुकान दुकान जाकर अचार बेचने की कोशिश करने लगे, परंतु कुछ लोग अचार लेने में कतराने लगे क्योंकि वे उन्हें अचार खुले में बेच रहे थे। तब उनके पति परेशान हो गए और घर आकर अचार एक तरफ रख दिया और कहा कि वे मार्केट में अचार नहीं बेच सकते। उन्होंने कृष्णा जी को अचार बनाने का काम जारी रखने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पति से हिम्मत न हारते हुए कहा कि यदि हम ही हिम्मत हार गए तो हमारा परिवार का क्या होगा। इसके बाद उन्होंने अपने बनाए हुए अचार को मार्केट में बेचने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने पति से कहा कि सड़क के किनारे अपने थैले में सब्जी के साथ साथ अचार भी रखें और अपने ग्राहकों का अचार के बारे में जानकारी भी देता जाए। परंतु परेशानी कहां उनका पीछे छोड़ने वाली थी। जहां उन्होंने अचार बेचने के लिए ठेला लगाया हुआ था, वहां पर घिने चुने लोग ही आते थे, जिस कारण उन्हें अचार की बिक्री नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत न हारते हुए अपने अचार और मुरब्बा बेचने के लिए युक्ति निकाली और अपने थैले के पास ही लोगों को पानी पिलाने के लिए 2 से 3 मटके रख दिए। जब वहां पर कोई भी शख्स पानी पीने के लिए आता था तो उसे पानी भी पिलाते थे और साथ साथ में अपने घर का बनाया हुआ अचार भी टेस्ट करने के लिए कहते थे और कहते थे कि यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे घर पर बनाए हुआ अचार खरीद सकते हैं। इस तरह उनके पति ने मार्केट में 100 से 200 रुपए में अचार बेचने लगे। जब उन्हें अचार बेचने से ज्यादा फायदा होने लगा तो उन्होंने अपने काम का विस्तार करते हुए मुरब्बे भी बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने 8 प्रकार के मुरब्बे बनाए। धीरे धीरे उनके अचार और मुरब्बे के बिजनेस में सफलता आने लगी। जब उनके बिजनेस में सफलता आने लगी तो उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का विचार किया, जिसकी वजह से उन्होंने साल भर तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी कंपनी शुरू करने का लाइसेंस नहीं मिला। तब उनका परिचय एक बहुत ही भले सज्जन से हुआ, जिन्होंने उनकी कंपनी का लाइसेंस बनवाने के लिए उनकी मदद की। बस यहीं से श्री कृष्णा पिकल्स कंपनी को एक नाम मिला और उनका अचार एक ब्रांड के रूप में शुरू हुआ। कंपनी ने शुरुआती दौर में उन्होंने सबसे पहले 2 से 4 लोगों को ही अपने काम पर लगाया, जिससे उनके बिजनेस में वृद्धि होने लगी। तब उन्होंने अपने काम को बढ़ाने के लिए एक बड़ी जगह लेकर 5 मंजिला इमारत खड़ी की। उनकी कड़ी मेहनत समय के साथ रंग लाने लगी और जल्दी उन्होंने अपना खुद की 4 कंपनियां खड़ी कर दी। आज के समय में वे 5 कंपनियों की मालकिन है। आज उनकी कंपनी के साथ जुड़कर कई बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। आज श्री कृष्णा पिकल्स के माध्यम से कृष्णा जी यादव पूरे देश में ग्रामीण और शहरी महिलाओं को अचार और मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली में उन्होंने अपने प्रशिक्षण केंद्र खोले हुए हैं। कई महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर अपने खुद के स्वरोजगार प्रारंभ कर लिए हैं।
आज उनकी कंपनी को शुरू किए करीब 18 से 20 वर्ष हो चुके हैं। कृष्णा यादव जी का एक ही सपना था कि कोई भी महिला अपने आप को कमजोर ना समझे, वह हर वो काम कर सकती है जिन्हें पुरुष कर सकते हैं। अपनी जीविका चलाने के लिए महिला अपना खुद का रोजगार आसानी से कर सकती है। प्रशिक्षण के माध्यम से कई महिलाओं ने अपनी जीविका शुरू कर दी है। वह भी श्री कृष्णा पिकल्स की तरह खुद को सक्सेस स्टोरी लिखने की तैयारी में है। कृष्णा जी के मुताबिक कंपनी में आज भी हाथों के द्वारा अचार बनाया जाता है, जिस वजह से कंपनी में बनाए जाने वाले हैंडमेड अचार में घर जैसा स्वाद आता है। पहले कंपनी में 10 तरह का अचार बनाया जाता था, लेकिन उनकी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ोतरी हुई, तब से उनकी कंपनी 252 तरीके का अचार बना रही है। उन्होंने अपनी कंपनी श्री कृष्णा पिकल्स की शुरुआत मात्र 2000 रुपए में किया। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। और जहां उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन आज उनके पास हर तरह की सुख सुविधा है, जिसके साथ साथ वह अपने परिवार के साथ खुशियों से जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, आज कृष्णा जी ने अपने समाज और पूरे देश में सभी महिलाओं के प्रति एक ग्रामीण महिला से एक सफल बिजनेस वुमेन बनने का सफर तय करने तक का अपना एक अलग मुकाम बनाया हुआ है, और कहा है कि अपने जीवन में मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदू स्टोर हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।